स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज का अपडेट में आपको चंदेसरा स्थान रेलवे स्टेशन से लेकर वाचस्पति नगर तक जाएंगे और इस बीच में कितना काम हुआ है आपको इस वीडियो में सभी अपडेट देने वाले हैं। ये रास्ता जो है आपको रुतपुर गांव ले जाएगा। रुतपुर गांव से आ रहा है यह रास्ता और इसी रास्ते में जो है यहाँ पे एक अंडरपास का निर्माण किया गया है। जो इनका काम जो है आज से 6 महीना पहले हुआ था और 6 महीने के अंदर जो है ये अंडरपास बनकर तैयार हो गया है। आगे में जो है इनका ऑफिस है, जितने भी सामान यहाँ पे आते हैं, बालू, गिट्टी, बलास्ट, छर, जितने भी सामान आता है यहाँ पे रखा जाता है। चंदेसरा स्थान रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफार्म है उसी प्लेटफार्म से उत्तर की तरफ यहाँ पे एक अंडरपास का निर्माण हुआ है, जो कि प्लेटफार्म से लगभग सटा हुआ है। ये पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक जाएंगे इस अंडरपास में और कैसा इनको बनाया गया है हम आपको सभी दिखाने वाले हैं। कुछ इस तरह से निर्माण हुआ है, हम आपको राइड कराते हैं और काफ़ी लंबा अंडरपास बनाया गया है क्योंकि आने वाले दिन में जो है इस अंडरपास के ऊपर जो है काफ़ी ट्रैकों का जाल बिछेगा, पटरियाँ बिछेगी काफ़ी, और प्लेटफार्म एक पर, दो पर और चाहे रैंक पॉइंट बनेगा वहाँ पे जाने के लिए यहाँ पे काफ़ी पटरियाँ जो है लगाया जाएगा इस अंडरपास के ऊपर में। और देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक आएंगे तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ का काम होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से फिर ट्रैक पे जाएंगे, जो रेलवे लाइन है उस पे जाएंगे, वहाँ से लेकर आपको वाचस्पति नगर तक ले जाएंगे और सारी अपडेट देने की कोशिश करेंगे। और कुछ इस तरह से इसमें आप सिर्फ ट्रक बस को छोड़ के जितने भी छोटे मोटे गाड़ियाँ हैं वो इसमें ले जा सकते हैं। इनका हाइट जो है काफ़ी कम है और इसी तरह का अंडरपास जो है दक्षिण की तरफ से बनाया गया है, यानी चंदेसर जो स्थान है इस रेलवे स्टेशन से दोनों साइड से अंडरपास का काम हुआ है। और कुछ इस तरह से आएंगे तो आपको मिट्टी भराई होता हुआ दिखाई देंगे। सामने में जो है गिट्टी रखा गया है जो आने वाले दिनों में काम होने वाला है। और ये जो अंडरपास है, ये अंडरपास जो है रुतपुर गांव में है और रुतपुर गांव से जो सड़क आता है और बरसाम गांव जो सड़क जाता है उसी सड़क के रास्ते यहां पे एक अंडरपास का काम हुआ है। इस अंडरपास में जो है आप सभी गाड़ियां ले जा सकते हैं, काफ़ी चौड़ा है इस अंडरपास का। चंदेसरा स्थान से 2 किलोमीटर आप आगे आएंगे तो यही अंडरपास आपको मिलेंगे। इधर है वाचस्पति नगर लोखा और ये जो रास्ता है आपको बरसाम गांव ले जाएंगे। बरसाम गांव से आ रहा है और कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ है ये अंडरपास। काफ़ी चौड़ा है, आसपास जो है यहाँ पे खेत खलिहान सब है। इधर से आए थे चंदेसरा स्थान से, पहले जो हमने आपको महरेल स्टेशन का अपडेट दिए थे वहाँ से लेकर चंदेसरा स्थान से आगे निकल चुके हैं और यहाँ पे एक पीपल का पेड़ है
और जो यहाँ के होंगे वो समझ गए होंगे कि कहाँ पे ये अंडरपास बनाया गया है। यहाँ से फिर से शुरू करेंगे यात्रा, और अभी जो है धत्ता टोल के पास आ चुके हैं। इस गांव का नाम है धत्ता टोल, और यहाँ पर जो है एक गुमती का निर्माण हुआ है। झंझारपुर, हरना, भदवार, गदरायन, बरसाम से जो रास्ता आता है उसी रास्ते में जो है यहाँ पे एक गुमती का निर्माण किया गया है। ये लाइन जो है झंझारपुर जंक्शन की तरफ से आ रहा है, यहीं से आए थे और ले चलेंगे गुमती के पास। ये जो गुमती है, ये गुमती कुछ इस तरह से बनाया गया है। धट्टा टोल का गुमती है और यहाँ पे कुछ इस तरह से निर्माण किया गया है। आने वाले दिन में जो है इनका पेंटिंग किया जाएगा। पेंटिंग होने के बाद यहाँ पे ट्रैक बिछाया जाएगा, मिट्टी गारने का काम होगा। ये सब काम जो है यहाँ पे बचा हुआ है। आंध्रा ठाड़ी यानी वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर पीछे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको अंडरपास या गुमती यहाँ पे दिखाई देगा। फिलहाल यहाँ पे काम शुरू नहीं हुआ है। अब तक जो है यहाँ पे काम हो जाना चाहिए था और जल्द ही यहाँ पे शुरू कर देगा तो अच्छा रहेगा। ये रास्ता जो है आपको आंध्रा ठाड़ी से बसुआ या फुलवाड़िया ले जाएंगे। और ये रहा वाचस्पति नगर का दक्षिण छोर से जो अंडरपास बनाया गया है उसी अंडरपास के आपको ले आए हैं। सामने से एक बैग जा रहा है, एक झोपड़पट्टी है और एक यहाँ पे पीपल का पेड़ है, और इसी जगह पे यहाँ पे अंडरपास का निर्माण किया गया है जो कि वाचस्पति नगर जो रेलवे स्टेशन है उससे पहले एक पानी निकासी का ब्रिज बनाया गया है, उसके बाद में यहाँ पे इस अंडरपास का निर्माण किया गया है। अगले पार्ट में हम आपको वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन का अपडेट देने वाले हैं, और आपको चंदेश्वर स्थान से लेकर आंध्रा ठाड़ी के बीच में कितना काम हुआ है, क्या चल रहा है, आपको सभी समझ में आ गया होगा कि कितना काम यहाँ पे हुआ है। ये अंडरपास पश्चिमी छोर से कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, और आगे हम आपको नया अपडेट देने की कोशिश करेंगे। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।